हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वैंगपीडिया एजुकेशन चैनल। सो फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड सेंटर के अप्रूवल के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज़ कर चुकी हैं फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर जेई एंड नीट 2020। सो आज हम इस वीडियो में इन सभी गाइडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर ये जानेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, तो अगर आप जेई एंड नीट के एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लस ये वीडियो उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, SSC। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गाइडलाइंस यहाँ पे हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक बार जेई एंड नीट का पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है तो हमारे जो बाकी बैंकिंग के पेपर हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर हैं वो डेफिनेटली कंडक्ट होंगे। ओके, और यहाँ से हमें एक होप मिल जाएगी कि इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एग्जाम्स कंडक्ट कराना पॉसिबल है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। ना यहाँ पे अब हम इनके गाइडलाइंस पे एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। ओके, सो एज द जेई नीट 2020 एग्जामिनेशन आर शेड्यूल टू टेक प्लेस इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, द रेगुलेटर इशूड सेवरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स इन द वेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। ओके, यहाँ पे द NTA सेड दैट 99% ऑफ स्टूडेंट्स विल बी गिवन द फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज फॉर जेई मेन्स एग्जाम सेंटर्स इंक्रीज फ्रॉम 570 टू 630 एंड फॉर नीट इट इज़ नाउ 3843 फ्रॉम 2846। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन को लेकर जितने भी आपके सेंटर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया गया है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेंटर पे पहले 300 स्टूडेंट्स पेपर देते थे, ना उसको रिड्यूस करके 150 कर दिया गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर इंक्रीज़ किए गए हैं ताकि आपके पेपर भी जल्दी हों एंड सारी प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान रख पाया जाए। ओके, देन ना यहाँ पे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है that students need not mandatory need to wear mask and hand gloves while giving the exams, but they are instructed to carry a personal water bottle and hand sanitizer into the exam center as well as maintain social distancing। Now यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या हमें वहाँ पे ग्लव्स पहन के जाने हैं या फिर क्या हमें मास्क लेना ज़रूरी है, और अगर मास्क है भी तो कौन सा ले जाना है, नॉर्मल मास्क लेगा या फिर N95 मास्क ही अलाउड है। तो इन सभी डाउट्स को यहाँ पे NTA ने एड्रेस किया है अपने नोटिफिकेशन में। और अगर हम यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीज़ की बात करें, सबसे पहले है आपका हैंड सैनिटाइज़र। ओके, आपको हैंड सैनिटाइज़र डेफिनेटली वहाँ ले जाना है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। एंड प्लस यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे कि NTA ने बताया है कि आपका जो मास्क है, एक मास्क तो आप ऑलरेडी अपने घर से पहन के ले जाएंगे, प्लस आपके जब सेंटर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को मास्क प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर की तरफ से ही। ओके, यानी कि आप जो मास्क घर से लाए थे उसको उतार कर जो वहाँ पे सेंटर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है मास्क उसको पहनेंगे और उसके बाद आप अपना पेपर देंगे। ओके, सो इस पॉइंट को हम आगे भी कवर करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दीज आइटम्स ओनली एडमिट कार्ड विल बी अलाउड इन साइड द एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, तो एग्जाम सेंटर में यहाँ पे सैनिटाइजर, वाटर बॉटल एंड एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होगा। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मास्क वॉर्न बाय हिम और हर फ्रॉम होम एंड यूज़ दी मास्क प्रोवाइडेड एट द सेंटर ओनली। ओके, देखिए जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू रिमूव दी मास्क वॉर्न बाय हिम और हर फ्रॉम होम, कि जो आप जो घर से पहन के लाएँ उसको रिमूव करेंगे और जो आपको सेंटर दिया जाएगा उसको पहन के आपको अंदर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, देन यहाँ पे क्राउड को अवॉइड करने के लिए उसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि जब आप सेंटर में पहुँचेंगे तो आपको सेंटर से 300 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा एंड देन वहाँ पे आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। 6-6 फीट के गैप पे आपको सर्कल देखने को मिलेंगे, उन्हीं सर्कल पे आपको खड़े होना है और अपनी टर्न का वेट करना है। ओके, एंड देन प्रायर टू द कम्युनिकेशन ऑन दिस प्रोसेस ऑफ स्टैगर्ड एंट्री विल बी शेयर विद द कैंडिडेट थ्रू एमए कार्ड एंड थ्रू SMS, कि आपको SMS और जो है आपके एमए कार्ड में बताया जाएगा कि आपकी क्या टाइमिंग है एंड आपको कौन सा स्लॉट अलॉट किया गया है। ओके, देन कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन अ स्पेस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम ईच अदर एट ऑल द टाइम। तो यहाँ पे आपको
सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं जो भी आपको आपके एडमिट कार्ड में बताए जाएंगे। देन जब आप यहाँ पे सेंटर में एंटर करेंगे तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, एंड अगर आपका टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा होता है देन आपको आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह का यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आता है ओके, तो आपको आइसोलेशन में रूम में रखा जाएगा, एंड जो भी आपकी फ्रिस्किंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फ्रिस्किंग मीन्स कि आपकी जो भी चेकिंग है कि कोई ईयरफोन्स तो नहीं है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं है, वो सब चीज़ें वो की जाएंगी आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। एंड देन अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है ओके, कुछ देर बाद भी आपका 15-20 मिनट के बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आया, तो आपको एक सेपरेट रूम प्रोवाइड किया जाएगा और आप वहीं पर ही अपना पेपर देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर छूट जाएगा, इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। देन बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल ईच कैंडिडेट विल हैव टू वॉश देयर हैंड विद सोप एंड वाटर, एंड हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट द वेरियस लोकेशन एट द सेंटर। तो एग्जाम हॉल सेंटर में एंटर करने से पहले आपको अपने पूरे हैंड अच्छी तरह से वॉश करने हैं, एंड प्लस हर सेंटर में भी यहाँ पे आपको हैंड सैनिटाइजर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, एंड प्लस आपके पास अपना भी एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। ओके, एंड ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एनटी ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड करी है इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको N95 मास्क ही ले जाना है। ओके, ऐसा कोई यहाँ पर गाइडलाइन नहीं है। मास्क जो भी होगा वो आपको सेंटर से प्रोवाइड किया जाएगा। देन वॉलंटियर्स विल बी प्रेजेंटेड अलॉन्ग द एग्जिट पाथ टू इंश्योर अर्ली मूवमेंट्स। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस थी जो सेंटर ने इशू करी थी कि आपको किस तरह से पेपर कनेक्ट करा जाएगा। ओके, तो अगर हम एक समरी यहाँ पे कुछ मेन मेन पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले कि आपको हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क, ये दो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको ले जानी है, एंड प्लस आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा कि यहाँ पे मैं किसी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आया हूँ। ओके, एंड इस तरह के यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन की भी बात की गई है। तो अगर हम यहाँ बात करें जेई मेन्स की, तो ये आपका शेड्यूल है फ्रॉम September 1st to 6th, एंड नीट जो है आपका इस शेड्यूल फ्रॉम September 13th, एंड प्लस यहाँ पे NTA ने इनके एडमिट कार्ड भी रिलीज कर चुके हैं, एंड प्लस टाइम स्लॉट बताया है कि जो आपका नीट का पेपर है वो आपका फ्रॉम 2 PM to 5 PM चलेगा, एंड जो यहाँ पे JEE का पेपर है वो आपका 2 शिफ्ट में चलेगा। पहली शिफ्ट आपकी सुबह 9 से 12 बजे, एंड जो सेकेंड शिफ्ट होगी वो फ्रॉम 3 PM to 6 PM। ओके, बस यहाँ पे इन सेंटर्स को इंक्रीज़ करने के अलावा शिफ्ट भी इंक्रीज़ की गई हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं बैंक की एग्जाम्स की बात करूँ तो आपकी 8 शिफ्ट में होता है, सिमिलरली JEE की भी जो है वो 8 शिफ्ट में होती हैं, और इसको बढ़ा के 12 शिफ्ट में कर दिया है। ओके, यानी कि 6 डेज में अब आपके JEE के सारे पेपर कंक्लूड होंगे। बट यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात हो रही है इसको लेके काफ़ी मिक्स रिएक्शन देखने को मिले हैं। यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स एंड काफ़ी स्टेट इसका अपोज कर रहे हैं, वहीं पे सेंटर अपने इस डिसीजन पे स्टिक है कि पेपर आपके शेड्यूल टाइम पे कराए जाएंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, एंड अगर मैं RRB पेपर की बात करूँ तो लास्ट 15 to 20 डेज रह गए हैं, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी एंड आपने मॉक भी लगाने शुरू कर दिए होंगे। एंड यहाँ पे फाइनली जब NTA ने यहाँ पे गाइडेंस रिलीज कर चुकी हैं, ओके, एंड नाउ यहाँ पे NTA के गाइडलाइंस रिलीज करने के बाद ये कंफर्म हो चुका है 99% चांसेस हैं कि यहाँ पे RRB का पेपर भी शेड्यूल टाइम पे होगा, या फिर अगर हम IBPS PO के प्री की बात करें तो वो भी आपके शेड्यूल टाइम पे कराए जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, और भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर अपडेट मिलता है तो हम डेफिनेटली उसे कवर करेंगे। एंड नाउ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में RRB प्री को लेके एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको उन 45 मिनट्स में मैक्सिमम स्कोर करना है। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।